हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चली तैयारी? तो चलिए, आज मैं कुमार मधुकर आज आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ केएम लर्निंग चैनल के अंतर्गत, वो बहुत ही फंटास्टिक इन्फॉर्मेशन के साथ और फंटास्टिक लेसन के साथ मैं आया हूँ, ठीक है? और बहुत ही फंटास्टिक रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इन्जॉइंग भी रहेगा, क्योंकि जो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इस इंडियन पॉलिटी में मैंने एक नया टेक्निक, नया साइंटिफिक विजुअलाइज टेक्निक को डेवलप किया है, जो है थ्री सम फॉर्मूला। तीन पत्ती का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, गेम भी आता है, कई बार ऐड भी मिलता है, देखते होंगे। तो इस तीन पत्ती में तीन बार जो इस्तेमाल हुआ है अलग अलग जगह पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या तीन चीज़ जो रेलिवेंट है हर एक सेक्टर में, हर एक टॉपिक पे, अलग अलग जगह पे, उसी चीज़ को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस केएम लर्निंग चैनल के थ्रू और वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हो, या सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, या बीपीएससी, जेपीएससी या यूपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल एंड आई एम एश्योरिंग यू आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर योर स्टडी, ऑल काइंड ऑफ मटेरियल ओवर हियर ऑन इन दिस फॉर्म, इन द वीडियो फॉर्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, थ्री सम फार्मूला, या तीन पत्ती वाला बात, या ती थ्री इन वन जिसको कह सकते हैं, थ्री इन वन फार्मूला जिसको बोल सकते हैं, वो है डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर डिवाइड किया जाए तो तीन पार्ट आपको मिलेगा, तीन सेक्शन मिलेगा। ये भूल जाइए कि कितने पार्ट, कितने शेड्यूल होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ब्रॉड एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है प्रियम्बल, दूसरा पार्ट होता है होल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा होता है शेड्यूल्स। आप देख लीजिए, पीएम बख्शी का बेयर एक्ट निकाल लीजिए, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। प्रियम्बल से शुरुआत होता है, जिसमें हमारा प्रियम्बल किसको बोलते हैं, प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द गेट वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफिनेशन होता है। ओके, मतलब प्रियम्बल जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, होल कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा सेक्शन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक ये चलता रहता है। ओके, चलता रहता है, जिसको कि हम लोग याद करते रहते हैं। सिमिलरली शेड्यूल की बात करें तो टोटल 12 शेड्यूल हैं, जो कि ओरिजिनली 8 हुआ करता था, बाद में 4 ऐड हो गया और हो गया ये 12। तो आज के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। ओके, 12 शेड्यूल हैं। चलिए, जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल में एक मेजर चेंज आया, पहली बार और लास्ट बार अभी तक जो हुआ है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत तीन तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो ऐड किया गया, इनफैक्ट कह सकते हैं थ्री टर्म्स और थ्री टर्मिनोलॉजी। और वो थ्री टर्मिनोलॉजी क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कई बार पीटी में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको देखिए, थ्री इन वन फार्मूला के अंतर्गत मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। सोशलिस्ट सेकुलर जो प्रियम्बल के पहले पैरा में ऐड किया गया है, और इंटीग्रिटी जो प्रियम्बल के लास्ट पैरा के जस्ट सेकेंड लास्ट पैरा में, जहाँ लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो वहाँ पे पहले यूनिटी था, अब इंटीग्रिटी ऐड कर दिया गया है। ओके, ये ब्रॉड एस्पेक्ट है, आगे चलते हैं हम लोग। अब डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो डीपीएसपी को अगर आप देखेंगे तो पूरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इसको तीन भागों में बांटा गया है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा, सोशलिस्टिक फिलॉसफी, गांधियन फिलॉसफी एंड न्यू लिबरल फिलॉसफी। ओके, तीन भागों में सारे आर्टिकल्स को डिवाइड कर दिया है कि ये भाई ये सोशलिस्टिक फॉर्म में है, तो ये गांधियन फिलॉसफी को मीट करता है, तो ये न्यू लिबरल या मॉडर्न फिलॉसफी को मीट करता है। ओके, तो तीन तरह का डीपीएसपी बनाया गया, इजंट इट? सो डीपीएसपी को ऐसे याद कर लीजिए। फिर सोशलिस्टिक में कौन कौन सा आर्टिकल होता है ये मैं अलग से वीडियो में अपलोड भी करूँगा, बट फिलहाल मैं थ्री इन वन की बात कर रहा हूँ, डीपीएसपी वन, तो तीन नए चीज़। अब है, नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ये एक अमेंडमेंट हुआ राइट, और इसके अंतर्गत तीन जगह पे चेंज आया। पहला है पार्ट थर्ड जिसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, दूसरा है पार्ट फोर जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और तीसरा है पार्ट फोर ए, है ना, पार्ट फोर ए जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, करेक्ट। सो आर्टिकल 21A नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 45 में चेंज किया गया, फिर आर्टिकल 51A में चेंज किया गया, जिसमें टोटल पहले 10 ड्यूटीज था फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें कि वन ऐड करके अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 कर दिया गया, तो 3-in-1 यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट में है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, पार्लियामेंट के बारे में पूछा भी जाता है, पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ, मतलब पार्लियामेंट किससे किससे गठित होता है, तो इसमें भी पार्लियामेंट एक है, तो इसमें भी 3-in-1 है। तो यहाँ देखिए लोकसभा से पार्लियामेंट बनता है, राज्यसभा के से पार्लियामेंट बनता है, और प्रेसिडेंट से, मतलब पार्लियामेंट अगर डिफाइन किया जाए तो लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाने के बाद ही हम पार्लियामेंट कह सकते हैं। अब कई बार होता है कि प्रेसिडेंट है या नहीं, इसमें कई लोग गलत आंसर देते हैं, तो आप 3-in-1 फॉर्मूला को याद कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, इजंट इट, डिड यू गेट द पॉइंट राइट। सो यू मस्ट बी गेटिंग सम इंटरेस्ट कि यस 3-in-1 है, अच्छा यहाँ पे भी तीन है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन से हम बच सकते हैं अगर 3-in-1 फार्मूला को याद करके रखें तो, है ना। उसके बाद आता है सेशंस। सेशंस में देखिए पार्लियामेंट में भी सेशन होते हैं, यहाँ पे भी तीन सेशन होता है, और पहला सेशन बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन आप लोगों को पता ही है कि बजट फरवरी में पेश होता है, तो बजट को प्रेजेंट किया जाता है और उसमें डिस्कशन होता है, क्या खर्चा है, क्या खाता बही, सब कुछ तैयार किया जाता है। सिमिलरली मॉनसून सेशन आता है, जो मॉनसून के समय में शुरुआत होती है उस वक्त भी डिस्कशन होता है अलग अलग टॉपिक्स पे, फिर विंटर सेशन होता है। सो सेशन एक हुआ तो इसमें तीन सेशन होते हैं, तीनों सेशन में चार चार महीना का लगभग गैप होता है, हालांकि दो सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है इन दो सेशन मान लीजिए है तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ओके। तो इसको याद रखना है आपको, 3-in-1 करके सेशन मतलब तीन, पार्लियामेंट मतलब तीन, ओके। तो 3-in-1 फार्मूला, 3-sum फार्मूला या 3-पत्ती जो आप याद रखते हैं वैसे याद कर लीजिए, जो भी आपको एडजस्ट वे हो, बट 3-in-1 इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द ओवरव्यू एंड टू रिमेंबर द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में से है सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर एक मान लेते हैं, तो इसमें भी तीन डिवीजन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और फेडरल फीचर के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि लेजिस्लेटिव का पार्ट कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशरी का पार्ट है कानून को इम्प्लीमेंटेशन से डाइवर्ट होने से बचाना और रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ना हो वो से उससे बचाना, और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों को अपने अपने हद में कंट्रोल में रखना राइट। सो बेसिकली अगर देखेंगे तो फेडरल फीचर का इंपॉर्टेंट फीचर में से सेपरेशन ऑफ पावर है, जो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों के तीनों सेपरेट हैं एंड ऑल थ्री विल नॉट इनक्रोच द टेरिटोरी ऑफ द अदर्स राइट। चलिए नेक्स्ट है 7th शेड्यूल। जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है तो उसमें यह भी आता है कि भाई 7th शेड्यूल तो इसी से रिलेटेड है, तो 7th शेड्यूल में भी तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आप देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो आप देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 आइटम्स हैं, है ना, 97 आइटम्स हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो 97 आइटम्स हैं। फिर स्टेट लिस्ट में कितने हैं, तो आप देखेंगे कितने हैं, 66, याद है ना आप लोगों को, तो 66, और कंकरेंट लिस्ट में 47। तो आपको 3-in-1 करके याद रखना है कि भाई लिस्ट कितने हैं, तो वन लिस्ट में से तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 97 66 47, ओके। 3-in-1 फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा, 3-in-1 फार्मूला टू रिमेंबर इंडियन पॉलिटी। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात आते हैं,
तो पूरे प्रेसिडेंट के पावर को अगर प्रॉपरली डिवाइड किया जाए ब्रॉडली, तो लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जुडिशरी पावर है, और इसी में फर्दर सब डिवीजन कर दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है तो ये डिप्लोमेटिक है तो मिलिट्री पावर है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउएवर अगर ब्रॉडली देखा जाए तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव में क्या होता है भाई कि देखिएगा, संबंध करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये इनका प्रेसिडेंट का पावर है। जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो हर एक जनरल इलेक्शन का पहला सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट से ही इनॉग्रेट होता है, और हर साल के पहला सेशन को भी प्रेसिडेंट ही इनॉग्रेट करते हैं। ये सब लेजिस्लेटिव पावर है, और ऑर्डिनेंस जो है लेजिस्लेटिव पावर है, ओके, आर्टिकल 123। फिर एग्जीक्यूटिव पावर में आप देखेंगे तो पहला लाइन एक ही चीज़ याद रखना है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन जितने भी चलते हैं सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। साथ में एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट और बाय द सबोर्डिनेट अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब डायरेक्टली वो खुद एग्जीक्यूट करेंगे और उनका सबोर्डिनेट एग्जीक्यूट करेगा। और जुडिशरी की बात है तो जुडिशरी में आप लोगों को पता है कि पर्डन, ग्रांटिंग ऑफ द पर्डन, मतलब मृत्यु दंड को माफ़ करना, पनिशमेंट को क्षमा करना, ये सब है जो कि आर्टिकल 72 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को ब्रॉडली तीन भागों में बांट सकते हैं, सो अगेन 3 in 1। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। स्पेशल पावर मतलब आप देखिएगा, स्पेशल खास करके इमरजेंसी से रिलेटेड जो पावर होता है, इमरजेंसी पावर कह सकते हैं कि एक है, उसके अंतर्गत तीन पावर है, नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 बोलता है, फिर प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 है, राइट। तो तीन स्पेशल या इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट का। अब है कि 3 in 1 तो हो गया, अब फिर नेशनल इमरजेंसी को 3 in 1 में मैंने डिवाइड करने का कोशिश किया है। नेशनल इमरजेंसी तीन ग्राउंड पे लॉन्च किया जा सकता है या प्रोक्लेम किया जा सकता है। एक है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आर्म रिवेलियन। ओके, तो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी का तीन ग्राउंड, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और पार्ट है नेशनल इमरजेंसी का, ये अभी तक तीन बार लागू हुआ था। देखिए 3 in 1 कैसे चल रहा है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो तीन, नेशनल इमरजेंसी तो तीन ग्राउंड पे, राइट, नेशनल इमरजेंसी तो तीन बार। ये इस ढंग से आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि इमरजेंसी पावर क्या है प्रेसिडेंट का, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट में है 8th शेड्यूल, 8वां शेड्यूल की बात करते हैं। 8वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 8वां शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की गई है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसमें बहुत सारी भाषाओं को रखा गया है। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो टोटल 22 लैंग्वेज है, जो कि ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था, बाद में इसे 8 लैंग्वेज और ऐड किया गया, तो आज के डेट में 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। अब देखिए कि ऐसा कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके आधार पे 8th शेड्यूल में ओरिजिनल 14 लैंग्वेज से बढ़ के 12 हो गया। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 21st, मतलब 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, जहाँ पे एक लैंग्वेज को ऐड किया गया जो कि सिंधी था, बाकी देख लीजिएगा। ओके, फिर है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें अगेन तीन लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर देखिए 71st में आपको 3 in 1 दिख रहा है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो थ्री, यहाँ पे मैंने इसको ब्रॉडली दिखाया है। देखिए 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, इन तीनों लैंग्वेज को ऐड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, सो 3 in 1। ओके, नेक्स्ट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 8th शेड्यूल का पार्ट है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चार लैंग्वेज को ऐड किया गया। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 8 लैंग्वेज। सो 8 लैंग्वेज ऐड होने के बाद ये ऐड हो गया, प्लस 14 + 8 22। सो आज के डेट में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, और ये भी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में अमेंडमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट से, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज बीन कन्फर्ड विद कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अल्टर, टू चेंज, टू रिपील द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर देखिएगा ब्रॉडली तो तीन तरह का अमेंडमेंट की बात किया गया है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट की। आर्टिकल 368 की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे,
अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में है, बट अमेंडमेंट एज अ होल अगर देखा जाए तो तीन तरह का, सिंपल मेजोरिटी के साथ में, स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, एंड स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, जहां पे लिखा रहता है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट लिया जाता है, करेक्ट। तो सिंपल मेजोरिटी में जैसे स्टेट का बाउंड्री, स्टेट का नेम, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को चेंज किया जाना है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाना है, तो इन सब में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी में होता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होते हैं उसको छोड़ दीजिए, तो इसको, हाँ इसको बताने से पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ कि स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट मतलब होता है कि ऐसे पार्ट जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो बहुत ही फंडामेंटल होता है, वैसे पार्ट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे GST लागू किया गया था तो वहाँ पे भी मेजोरिटी के साथ साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट लिया गया था, राइट। तो ऐसे पार्ट्स जो कि स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत कंसिडर होते हैं वो थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, और स्टेट्स का बाउंड्री, नेम चेंज करना, नया स्टेट बनाना, सिंपल में बात, और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मोर देन हाफ एंड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, ओके। तो ये हो गया अमेंडमेंट का तीन कैटेगरी, तो अमेंडमेंट इज ऑल्सो 3-in-1, इजंट इट। सो दिस वॉज द 3-in-1 फार्मूला ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ओवरव्यू मिला, और भी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे 3-in-1 इस्तेमाल हुआ है, जो कि आने वाले लेसन में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये लेसन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये नया इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, मैं खुद ही प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि क्यों नहीं इसे विजुअलाइज किया जाए, क्यों नहीं इसे साइंटिफिकली ऐसा विजुअलाइज किया जाए कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए रिमेंबर करने में, इजंट इट, ओके। सो गाइज स्टे ट्यून टू KM लर्निंग चैनल, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।